हेलो फ्रेंड्स, आज हमने बनाए हैं लौकी के कोफ्ते। तो ये देखिए हमारे कोफ्ते कितने अच्छे बने हैं। चलिए इसकी रेसिपी क्या है वो आपको दिखा रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक बाय मोहिनी। तो आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते। तो लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए हमें चाहिए लौकी और साथ में हमें चाहिए एक ग्रेटर। तो इसकी हेल्प से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। ऊपर वाली जो स्किन होती है लौकी की, अगर वो सॉफ्ट सॉफ्ट है तो आप इसको ऐसे ही ग्रेट कर सकते हो, अदरवाइज आपको इसको निकालना पड़ेगा। जो मेरे वाली लौकी है इसकी जो बाहर वाली स्किन है बहुत सॉफ्ट है, तो इसको मैं विद स्किन ही ग्रेट कर रही हूँ। तो लौकी को हमने कर लिया कद्दूकस। थोड़ी सी काली मिर्ची को हम कूट के डालेंगे। तो ये हम डाल लिए काली मिर्ची इसमें। तो अब हम इसमें डालेंगे नॉर्मल आटा 2 चम्मच। 2 चम्मच मैंने इसमें गेहूं का आटा डाल दिया। तो बाकी हम डालेंगे इसमें बेसन। तो गेहूं का आटा डालने से कोफ्ते जो है हमारे बहुत अच्छे बनते हैं। अगर खाली आप बेसन के कोफ्ते बनाते हो ना, तो उनका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता जितना ये वाले कोफ्ते का टेस्ट आता है। अब हमने इसमें डाल दिया 1 कटोरी बेसन। तो 1 चम्मच हम टीस्पून हम इसमें डाल दिया नमक, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे काला नमक, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। होममेड गरम मसाला हम इसमें डाल दें। सभी चीज़ों को करते हैं अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा हम इसमें डाल दें रेड चिल्ली पाउडर। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें ज़ीरा। इन सबको करते हैं मिक्स। तो आप ये देखिए ऐसे वाला इसका आ रहा है टेक्सचर। तो अब हम इसमें डाल दें ऐसे वाला, एक 10 रुपये का पैकेट आता है एवरी डे का मिल्क पाउडर का। तो ये हम इसमें डाल दें मिल्क पाउडर। तो इससे जो कोफ्ते हैं ना हमारे बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर से सॉफ्ट भी बनेंगे और इनका टेक्सचर भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं हाथ से मिक्स। हमारा मिक्सर ऐसा बन गया, ये ना तो बहुत ज़्यादा ढीला है ना ही बहुत ज़्यादा टाइट है। इसके साथ ही मैंने अपने पास थोड़े से ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं। तो ये ब्रेड क्रम्स मैंने अपने घर पे बनाए हुए हैं, होममेड है। तो इसकी वीडियो मैं अलग से डाल रही हूँ। तो कोफ्ते बनाने के लिए हमें अपने पास थोड़ा सा ऑयल रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हाथों पर लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। ये है मिक्सचर जिससे हमने बनाने कोफ्ते। थोड़ा सा अपने हाथों के ऊपर ऐसे घी अप्लाई कीजिए, और थोड़ा सा मिक्सचर जितने बॉल आपने बनानी है तो आप अपनी बॉल बना लीजिए, और उसको फिर आप ब्रेड क्रम्स में डाल के अच्छे से उसको रोल कर दीजिए। बस आपके कोफ्ते हो गए रेडी। तो चलिए सारे कोफ्ते हम ऐसे ही बना लेते हैं। तो ये बन गया। हाँ, तो ये देखिए हमने अपने कोफ्ते रेडी कर लिए। तो चलिए अब हम इनको करेंगे डीप फ्राई। तो डीप फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल ऑलरेडी एक कढ़ाई में डाल दिए, तो तेल मेरा गर्म हो गया। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं अपने कोफ्ते। देखिए हमारे कोफ्ते हो रहे हैं गोल्डन ब्राउन। तो ऐसे ही करके हम अपने सारे कोफ्ते कर लेंगे रेडी। इनको आप एज स्नैक्स भी खा सकते हो। ऑलरेडी मैंने एक लॉट निकाल दिया और ये सेकंड लॉट मेरा चल रहा है। तो ये देखिए हमारे सारे कोफ्ते हो गए हैं रेडी, और आप देख के हैरान हो जाओगे कि जितना हमने ऑयल डाला था ऑलमोस्ट उतने का उतना ऑयल ही हमारी कढ़ाई में पड़ा है। क्योंकि जब हम कोफ्ते को इस मेथड से बनाते हैं ना, जिस मेथड से मैंने आपको सिखाया है, जो कोफ्ते हैं ऑयल बहुत कम लेते हैं और एकदम ड्राई ड्राई बनते हैं। तो ये देखिए इनमें कोई भी ऑयल नहीं है, मैं पास से आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए कढ़ाई में भी ऑलमोस्ट उतना ही तेल पड़ा है जितना हमने इसमें डाला था, तो बहुत कम तेल जो है कोफ्ते ने लिए। तो कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने अपने पास थोड़े से ड्राई फ्रूट रखे हैं। तो ये बिल्कुल छोटे साइज़ की कटोरियाँ हैं जो डोसे के साथ हमें मिलती हैं, चटनी वाली वो वाली हैं। तो इनमें 1-1 चम्मच ये सारा कुछ। तो ये मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया है वाइट तिल, और ये है मेरे पास 7-8 बादाम, और ये है मेरे पास कच्ची मूँगफली, और ये है मेरे पास काजू टुकड़ा। चलिए इन सभी चीज़ों को हम भिगोएंगे पानी में। तो ये मैंने आप एक अपने पास एक अच्छी सी सुंदर सी कटोरी रख ली है पीतल की। तो चलिए इसमें हम डालेंगे अपना सारा कुछ। इसके ड्राई फ्रूट को बाद में हमें निकालने के लिए इजी हो जाएगा। तो हम एक चाय पोनी रख के चाय पोनी के अंदर ही हम अपने ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, ताकि हमें बाद में इनको निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हम ऐसे करके डाल देंगे सारा कुछ इनके अंदर ही।
और हमने इसको कम से कम 3-4 घंटे पानी में भिगो के रखना है ताकि इन सभी चीज़ों की जो गर्मी है वो निकल जाए। अदरवाइज़ गर्मी का मौसम है तो फिर गर्मी के मौसम में ड्राई फ्रूट है तो ज़्यादा गर्मी करते हैं, तो ऐसे करने से जो ड्राई फ्रूट है ठंडा हो जाता है। तो जब हमने इसको निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे, हमारे लिए भी ईजी हो जाएगा। तो एक पानी अभी मैं इसका निकाल दूँगी, फिर मैं इसको दूसरे पानी में भिगोऊँगी। तो चलिए बना 4-5 घंटे के बाद बनाते हैं इसकी ग्रेवी। कि ग्रेवी बनाने का प्रोसेस करते हैं स्टार्ट। तो ये सारी सब्जियाँ हमने ऑलरेडी काट के रखी हुई हैं, तो ये हमने भिगो के रखे थे तेल वगैरह, तो ये सभी चीज़ें भी अच्छे से सोख हो गई हैं। तो इनको हम डाल दें एक मिक्सर जार में, और मिक्सर जार में अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसको अच्छे से ग्राइंड करने के लिए। तो चलिए पहले इनका बनाते हैं पेस्ट। तो ये देखिए हमारा ऐसे वाला पेस्ट रेडी हो गया, तो इसमें सारे जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो वाले ही हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे अपना लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक, और इसी के साथ ही हम डाल देंगे अपने टमाटर। इसमें अब हम डाल दें अपने प्याज। तो इन सब चीज़ों को करते हैं ग्राइंड। देखिए हमारा कितना अच्छा सा एक पेस्ट रेडी हो गया। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने बाकी मसाले। इसमें हम डाल दिए हैं टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक, और मिक्सर जार में ही हम डाल देंगे हल्दी। तो एक चम्मच हमने इसमें हल्दी डाल दी, और इसी में ही हम डाल देंगे अपना थोड़ा सा गर्म मसाला। तो अगर आप ऐसे करके सारे मसाले इसमें डालते हो ना, तो मसालों का जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा आता है, और ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए हम सारे मसाले इसी में ही डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, साबुत जीरा भी हमने इसमें डाल दिया। तो चलिए अब इन सबको करते हैं ग्राइंड। मसाले को हमने अच्छे से पीस लिए। तो अब हमने एक गैस के ऊपर अपनी एक कढ़ाई को रख लिए। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं अपना ऑयल। तो जो भी जिस ऑयल में आप बनाना चाहो वो वाला ऑयल आप डाल दो। तो इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा ऑयल डाल के सब्ज़ी नहीं बनाने वाले। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। तो इसकी अपनी फ्लेवर और अपनी खुशबू होती है। और इसके साथ ही हम डाल देंगे अपना मसाला। हल्दी थोड़ी सी कम लग रही है, तो हम हल्दी थोड़ी सी और डालेंगे। तो थोड़ी सी हल्दी हमें और डालनी पड़ी है इसमें। इसमें मैंने ऑर्डिनरी नमक डाला है, तो नमक थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं अब थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ काला नमक। चलिए अब मसाले को हम छोड़ देते हैं। तो 4-5 मिनट ये ऐसे पकेगा बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो लो फ्लेम पे पकते हुए मसाले को हम ऊपर से कर देंगे कवर। 3-4 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, तब तक ये मसाला अच्छे से बन जाएगा। लेकिन बीच में मैं एक दो बार इसको हिलाऊंगी भी। कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पानी, तो मैंने मिक्सर जार में पानी डाल लिया, और साथ ही में हम डाल दें इसमें थोड़ा सा देगी मिर्च का पाउडर। तो इसी में डाल के रख देंगे। देगी मिर्च जो कड़वी नहीं होती है, इसका जस्ट कलर ही आता है। तो बस इसको हम ऐसे ही रख देंगे थोड़ी देर, तो इसका जो कलर है ना वो अपने आप ही इस वाले पानी में आ जाएगा। मसाले को करते हैं चेक, मसाला हमारा अच्छे से बन रहा है, तो लो फ्लेम पे चल रहा है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मीट मसाला। तो थोड़ा सा मीट मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून। तो मैं डायरेक्टली इसी से डाल रही हूँ। चलिए फिर से इसको पकाएंगे लो फ्लेम पे, जब तक इसका ऑयल है जो ऊपर नहीं आ जाता तब तक। मसाले को करते हैं चेक। तो ये देखिए घी है जो इसमें थोड़ा थोड़ा ऊपर आना स्टार्ट हो गया। तो मसाला हमारा ऑलमोस्ट बनने वाला है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध की मलाई होती है ना, तो वो वाली मलाई हम डालें हैं। तो ये मेरे पास रखी हुई है मैंने दूध की मलाई, तो 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें दूध की मलाई। ग्रेवी होती है ना कोफ्ते की, मेन तो वही है। तो जितनी ग्रेवी टेस्टी होगी उतना ही आपके कोफ्ते बनने वाले हैं टेस्टी। तो थोड़ी सी मलाई और डाल देते हैं इसमें, छोटा चम्मच है तो 2 चम्मच मैंने छोटे चम्मच डाल दिए इसमें मलाई के। अब हम फिर से इसको ऊपर से कवर करके पकाएंगे। तो फ्लेम मैंने रखी हुई है अभी भी लो पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकेगा सारा मसाला। तो 2 मिनट के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने अपने पास रख लिए हैं थोड़े से कड़ी पत्ता, और थोड़ा सा है ये मेरे पास तुलसी लीव्स। चलिए इनको करते हैं चॉप। तो अब हमने इसमें डाल देने हैं अपने चॉप किए हुए कड़ी पत्ता और तुलसी पत्ता।
ये चीज़ें डालने से ना इसकी टेस्ट भी बढ़िया आता है और खुशबू भी अच्छी आती है और देखने में लुक भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो हमेशा आप तुलसी को अपनी डिशेस में ऐड करो, आप देखोगे कि आपकी जो डिश का टेस्ट है बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। चलिए बस अब हम इसमें डाल दें अपना पानी जो हमने मिक्सर जार में रखा हुआ है, तो इसको ऐड कर दें। तो हमें ग्रेवी ना काफ़ी ज़्यादा बनानी पड़ेगी क्योंकि कोफ्ते जब हम डाल दिए तो कोफ्ते काफ़ी ज़्यादा ग्रेवी को सोख लेते हैं। तो गैस अब हमने फुल पे कर दिए, अब हम इसको थोड़ी हाई फ्लेम पे पकाएंगे। पानी में बॉयल आने के बाद हम इसको फिर से लो फ्लेम पे सेट कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से पक रही है। तो अब देखिए इसके ऊपर जो है घी हमारा साइडों पे आना स्टार्ट हो गया, तो हमारी ग्रेवी इसका मतलब है पक गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने कोफ्ते, एक एक करके अपना कोफ्ता इसके अंदर डालते जाएंगे। कोफ्तों को हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस कोफ्ते डालने के बाद हम इसको बंद कर देंगे एक मिनट के बाद। तो सारे कोफ्ते इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए कोफ्ते डालने के बाद हमारी ग्रेवी है अच्छे से थिक हो गई है। तो अब हमने इसको इसके ज़्यादा और नहीं पकाना, तो इतनी ग्रेवी थिक सफिशेंट है हमारे लिए। तो ये देखिए कोफ्ते भी हमारे एज इट इज़ ही पड़े हैं गोल गोल, कोई भी कोफ्ता हमारा टूटा नहीं है। तो इस मेथड से आप कोफ्ते बनाओगे तो ना तो कोफ्ते टूटेंगे और आपके कोफ्ते बनेंगे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो इसको सेट होने के लिए लगेंगे 4-5 मिनट। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। और आपको मेरी ये कोफ्ते वाली वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऊपर से हम थोड़े से और ग्रीन लीव्स डाल देते हैं और गैस को हम कर रहे हैं बंद और इसको ऊपर से कवर करके रखेंगे 2-3 मिनट के लिए। आपको ये मेरी कोफ्ते की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।